नमस्कार दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष सीधे जुड़ रहे हैं भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में, जहां पे शहीद अकलू तुलहा जी का शहीद दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य साझा कर रहे हैं, जहां पे समाज के तौर पे, जयगांव के निवासियों के तौर पे, यहां पे शहीद दिवस मनाया जा रहा है, जिसका दृश्य साझा कर रहे हैं। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त 1942 में शहीद हुए थे और उनका शहीद दिवस आज पालित किया जा रहा है। आप सभी के समक्ष दृश्य साझा कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, सीधा दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, सभी यहाँ पे पहुंच कर नमन कर रहे हैं, शहीद दिवस के रूप में पालित कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी पहुंच के शहीद दिवस के यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, तमाम समाज के यहाँ पे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तमाम लोग यहाँ पे आके यहाँ पे शहीद दिवस पालित कर रहे हैं। आप सभी के समक्ष सीधा दृश्य भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव से भानुभक्ता टोल से आप देख सकते हैं। और हम लोग सीधे जानकारी के लिए हम लोग सीधे जुड़ेंगे, यहाँ पे जो गण्यमान्य लोग हैं उनसे सीधे जुड़ेंगे। नमस्कार भैया, आज का ये जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, ये आज हम लोग 14 अगस्त 1942 में देश के लिए हमारे शहीद अकलू तुलहा जी शहीद हो गए थे बिहार की मधुबनी में, और उन्हीं का आज शहीद दिवस समारोह हम लोग जयगांव में मना रहे हैं और दिवस मनाते आए हैं। और आज के दिन में बिहार में भी, पटना में भी बहुत बड़ा भव्य इनका शहीद दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें गणमान्य हमारे बहुत बड़े बड़े मंत्री, संसद, विधायक, मुखिया, सरपंच, पंचायत और महा रथ यात्रा का प्रोग्राम पटना में भी किया गया है। और आज हम लोग जयगांव में हमर शहीद अकलू तुलहा का आज 14 अगस्त 2023 को उनका शहीद दिवस हम लोग सब पूरे समाज मिल करके मना रहे हैं। और ये देश के लिए शहीद हुए हैं, कोई समाज की नहीं है, पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं और पूरे देश का शहीद है। इसलिए हम लोग भव्य रूप से जयगांव में सभी ने अपने मिल करके, सभी समाज के लोगों ने मिलकर इनका शहीद दिवस हम लोग 14 अगस्त 2023 को आज मना रहे हैं। हर एक साल आप लोग ये कार्यक्रम लगभग 4-5 साल से यहाँ जयगांव में स्टार्ट किए हैं, लेकिन बिहार में, मधुबनी में और ऑल बिहार में तो वर्षों से इनका शहादत दिवस हर 14 अगस्त को मनाया जाता है। जी, हम लोग 4-5 साल से यहाँ शुरुआत किए हैं शहीद दिवस मनाने के लिए। जी, और ये कोई समाज का नहीं है, पूरे देश का शहीद है और पूरे देश के लिए अपने अंग्रेज से लड़ाई करते हुए अपने जान का कुर्बान कर दिए। देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान था और वीर क्रांति योद्धा थे ये, और देश के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिए, शहीद हो गए 1942। जी, आपका नाम और परिचय? जी, मेरा नाम मोतीलाल शाह है, मैं सुपर मार्केट से हूँ और मैं अपने जो है शहीद दिवस का उपलक्ष्य में मैं सब अपने समाज के लोगों के साथ में शहीद दिवस मनाया हूँ। धन्यवाद। और आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश जायसवाल जी। रमेश जी, आज के इस कार्यक्रम के विषय में थोड़ा जानकारी। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज जो है शहीद अकलू तुलहा जी का जो है आज 81 वर्ष पहले देश के लिए इन्होंने अपना कुर्बानी दिए थे, आज उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। ये तुरहा समाज से थे, आज सभी जयगांव के तुरहा समाज यहाँ उपस्थित हैं तथा साथ में सभी समाज आए हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ तुरहा समाज के नहीं थे, ये पूरा इंडिया को पूरा सभी समाज के लोग थे। आज उनका 81 साल पहले जो है उन्होंने बलिदान देश के लिए दिया था, तो उन्हीं को यादगार में जो है ये आज का दिन जो है उनका
शहादत का जो है लोग याद करते हुए आज उनका सभी समाज से लोग आकर उनका जो है फूल जो है चढ़ा के उनसे उनको बलिदान जो उनका दिया हुआ है इसलिए उनका परिवार को उनका समाज को जो है ये जो है हमेशा उनको मिलता रहे, लोग याद करते रहे, इसी के लिए आज सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और दर्शकों, इस समय आप सभी से हम लोग अलविदा लेना चाहेंगे, फिर किसी और क्षेत्र से फिर जुड़ेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।